एक बढ़िया सी नींद को पूरी करने के बाद मैं उठ पड़ा अपने पार्ट 3 फूड एक्सप्लोरेशन के और जहाँ पे बस एक जैकेट पहनी हीरो बना और निकल गया राम भंडार की ओर, जहाँ की खास्ता पूरी जलेबी और सब्जी को लगवाने के बाद एक बार फिर से निकल पड़ा यहाँ सत्यनारायण स्वीट शॉप में। यहाँ आकर के मुझे लगा इस तरीके का शानदार, जो कह सकते हैं वेज आहार, मैंने नहीं खाया। बातों में हमने जो है यहाँ पे यू डिसाइड किया कि चलो भाई एक नई प्रोडक्ट, एक नई डिश का इजाद इन्होंने किया है, तो इसे भी चखे और चेक करके आप लोगों तक इसे जरूर से पहुंचाए। तो ये छेने का दही बड़ा, तो नॉर्मल हमारा मसाला है, ये नॉर्मल मसाला है जो अमूमन दही बड़े में पड़ती है। Here we are, first time ever, छेना दही बड़ा। मुझे नहीं लग रहा है कि धरती वासियों के लिए बनी है, मतलब अब लग रहा है कि फूड ब्लॉगर बनना या फिर फूड ब्लॉगर बनने का डिसीजन जो है ना, मेरा एकदम सही था। सर आपने क्या ही चीज हमें खिला दी, इतनी बढ़िया है कि मतलब दिल खुश हो गया है। मीनिंग जो लॉन्ग लगता है, हाँ, इसमें अंदर खोआ, जाफर, लौंग आदि कर इसको बनाया जाता है। अच्छा। छोटा पीस लोग देख कर आराम से खा सकते हैं और देसी घी में होता है। जितनी ये देखने में टेम्पटिंग लग रही है ना, कसम खा रहा हूँ मैं, उससे लाख गुना बेहतर इसका स्वाद है। बनारस में आज हमें एक नई आइटम मिली है, कहते हैं इसे पान, मतलब पान आधा नाम है, ये है बनारसी पान गदोलिया। तो अंदर देखिए पान के शेप में कुछ पान के रंगों का आइटम इस्तेमाल किया गया है। अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया क्या है, ऊपर से क्या इन्होंने डाला था ये तक नहीं बताया। तो भाई इसे खाएंगे, खा कर आप लोग बताएंगे कैसा मुझे लगा है इसका स्वाद। क्या ही था भाई, ये क्या ही था, काजू मुंह में भरपूर मात्रा में, वो खोआ, वो मलाई, मतलब बनारस आओ और मिठाई अगर खा लोगे ना भाई, वो लोग कहते हैं ना पूजा पाठ करो मुक्ति प्राप्त होगी, मैं कह रहा हूँ पेट पूजा करो मुक्ति प्राप्त होगी। और बनारस आए तो भाई आप लक्ष्मी जी का ब्रेड टोस्ट और चाय नहीं बोल सकते, इसलिए हमने लगवा ली अपनी मक्खन वाली ब्रेड टोस्ट। ब्रेड टोस्ट खाने के बाद एक बार फिर से मन किया कचौड़ी गली की कचौड़ी खाने का। संतुष्ट होने के बाद हम निकल पड़े और भी अच्छी अच्छी चीजों खोजने के लिए, जहाँ पे ये भैया जी मुझे मिले। और बढ़िया सी बनारसी लस्सी पीने के बाद हमने लगवाई चंदन के टीका और निकल पड़े गदौलिया चौक की ओर, जहाँ पे राज कचौड़ी खाने के बाद हम गए दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहाँ ठुमकते फॉरनर्स को देख करके हमें भी मन किया गंगा आरती को देखने का। और भक्तिगण में पूरी तरीके से विलीन होने के बाद हमने तो गंगा आरती एंजॉय कर ही लिया, साथ ही साथ हम निकल पड़े बनारस के हर एक घाट को घूमने के लिए नाव की सवारी करते हुए। बनारस की इतनी सारी घाट देख करके, इतना सुंदर सुंदर दृश्य को देख करके मेरा जो मन था वो काफी ही प्रसन्न हो चुका था ऑलरेडी। बात करेंगे इस एंशियंट सिटी की, तो यहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए, घूमने के लिए, कि मैं एक दिन के अंदर तो कवर कर नहीं सकता था। लेकिन चलते चलते मुझे मिला ये प्यारा सा डॉगू, मन तो मुस्कुरा चुका था, इसलिए हम चले गए फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। मंदिर में कुछ देर पूजा करने के बाद हम निकल पड़े एक बार फिर से गदौलिया चौक की तरफ, जहां पे हमने ट्राई की बनारसी ठंडाई। ऐसे भी कहते हैं कि बनारस आओ तो ठंडाई जरूर से पियो यार, ठंडाई तो मुझे खूब पसंद आई। लेकिन वक्त हो चुका था बनारस को अलविदा कह देने का। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आई होगी तो मिलते हैं आप लोग से मेरे भोपाल एक्सप्लोरेशन में।